पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट लगातार दो तीन ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट भी बताया है। तो जेफरीज अभी हाल ही की जो रिसेंट आपको रिपोर्ट आते हुए दिखी है, उन्होंने डबल अपग्रेड कर दिया है होल्ड से, अब खरीदारी की राय वो देते हुए दिख रहे हैं और लक्ष्य भी 1260 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए के वो कर दिए हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक बड़ा फोकस अब पूरे के पूरे टेलीकॉम स्पेस पर बनता हुआ दिख रहा है। जेफरीज को काफी पसंद आ रहा है ये काउंटर। भारतीय एयरटेल पर भी उन्होंने अपने जो टारगेट्स है वो बढ़ाए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से के लिहाज से देखेंगे तो 14.5% के आसपास कंपनी यहां पर ये नंबर क्लॉक इन करती है। एंड ऑफ कोर्स हालांकि सर्कल जो आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल के मुकाबले कंपैरेटिवली भारतीय हेक्साकॉम का कम है, लेकिन जिस भी सर्कल में ऑपरेट कर रही है काफी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है और बढ़िया वहां से ग्रोथ आपको लगातार आती हुई दिख रही है और इसी वजह से जेफरीज यहां पर बुलिश है। तो लंबी अवधि के लिए भारतीय हेक्साकॉम जरूर खरीदारी करिए। 1550 रुपए के टारगेट्स अगले 12 महीनों में आपको दे सकता है।